ज्ञान मिलता है गुरु से, हमारा सुप्त चेतना और जागृत चेतना है, और इन दोनों के बीच में अर्ध सुप्त चेतना है, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक तो सुप्त चेतना माने सोई हुई चेतना अपने हमारे भीतर है, दूसरा जो चेतना है जो अर्ध सुप्त थोड़ा सा जानता है, जानती है कि कुछ नहीं जानती वो, और एक जागृत चेतना। ये तीनों चेतनाओं, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा माने क्या, ये तीनों जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के मालिक होते हैं गुरु। सिर्फ हम सिर्फ मालिक अपनी मालिकी सिर्फ अपने जागृत चेतना में ही कह सकते हैं, वो होता तो नहीं है। जागृत चेतना में भी अपना मालिकी कहाँ होता है, लोगों को अपने ऊपर कोई कंट्रोल होता ही नहीं, अपने ऊपर कोई काबू पाती ही नहीं। मगर वो सुप्त चेतना और जागृत, ये तीनों जो चेतना है इसका जो मालिक है वही गुरु होते हैं। गुरु तत्व ना होने से जीवन में ना कोई गति, ना कोई ज्ञान, ना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना हो तो गुरु तत्व की जरूरत, गुरु की आवश्यकता है। हमें जीवन में गति मिलना हो, आगे बढ़ना हो, या कहीं ना कहीं अटके रहते हैं हम, इसमें अटक गए, उसमें अटक गए, राग में अटक गए, द्वेष में अटक गए, किसी के बारे में कुछ सोच सोच के अटक जाते हैं, इन सब अटकाव से आगे बढ़ना हो गुरु की आवश्यकता है। फिर कुछ भी प्राप्त करना हो जीवन में गुरु की आवश्यकता है, और मोक्ष, जीवन में मोक्ष पाना गुरु के बिना असंभव है। तो इसलिए ज्ञान गमन प्राप्ति मोक्ष के लिए गुरु की धारणा बहुत आवश्यक है। और गुरु होने से जीवन में जीती गए, देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं। गुरु होने से अंधेरा कहाँ।